आपकी प्यारी चंपा। बहुत दिनों बाद मिले हैं हम। और वैसे आप मेरे को मिस कर रहे थे? मैं तो आपको बहुत मिस कर रही थी। आपको पता है मेरा वो जो भाई है ना रामलाल, उसका बेटा है और वो अभी मेरे घर में रह रहा है, क्योंकि उसका स्कूल यहाँ पे ही है। तो मेरे घर में रहता है, मैं उसको टिफिन देती हूँ और वो अपने उस स्कूल जाता है। आजकल वो ना मेरे को थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी सिखा रहा है, तो मैं थोड़े अच्छे भी बन गई हूँ अंग्रेजी में। वो क्या बोलते हैं कि हाउ डू यू डू। हाँ, तो अभी जो मेरा भाई ना रामलाल का बेटा छोटू, वो अभी ना नदी को नहाने गया है। वो कितना घंटा नहाता है उसके दोस्तों के साथ। अभी जब घर आएगा ना मेरे को बोल के पागल कर देगा, खाना दे दो उसको। फिर अभी स्कूल जाना है ना, इसीलिए बकासुर कहीं का। जल्दी से मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो पहले मैं उनके लिए थोड़ा सा फ्लावर, मैं भी आजकल ना आदत बना रही हूँ फ्लावर बोलने का। हाँ, मैं थोड़ा सा वो फ्लावर चुनकर लाती हूँ उनके लिए, पूरा फ्रेश। वाह, आज तो पूरा भर भर के फूल चुनूंगी उनके लिए। फिर से फूल बोल दी, फ्लावर। हाँ, और इनमें से एक ले लेती हूँ, इसका तो बहुत जल्दी उगता है। चलो इसका ही ले लेता हूँ। तो फिर ये है हमारे प्यारे गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया। और एक चीज, ये जो आपको इतना सारा शोर शराबा सुनाई दे रहा है ना, ये वो वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ एक रोड बना रहे हैं। बाबा रे, कितना आवाज करते रहते हैं, रात को भी करते रहते हैं। इनको अच्छे से फूल लगा देते हैं, आपके लिए ताजा ताजा फूल है। ये का है मिक्की, ये जो छोटू है ना, जब भी ये मिक्की को देखता है ना खेलने को बोलता है, उसको पता नहीं ऐसे आग जलाते हैं। ओम भूर्भुवः तस्य दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य यो यो न प्रचोदयात्। चलो पूजा तो हो गया अभी। अरे बर्तन साफ करना भूल गई थी कल। अच्छा चलो पहले बर्तन साफ कर देते हैं हम, कुएं से थोड़ा पानी ला लेते हैं। हाँ चलो, अभी तो ये गर्मी का भी अब मौसम आ गया है ना, तो जो है ना छोटू, वो जब भी देखो खाली बोलता है ओ माय गॉड आई विल फ्राई इन द सन, ऐसे बोलता है वो। मेरे को तो समझ में नहीं आता वो कहाँ बोल रहा है, जो पता नहीं। वो हमारे गांव में ना नया नया इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, तो छोटू उसमें जाता है ना, तो इसीलिए बड़ा इंग्लिश बोलने लग गया आजकल, ऐसा कि मेरे को खुद समझ नहीं आता। चलो, और तीन बर्तन बाकी है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। ई देखो, हो गया हमारा बर्तन। चलो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। चलो आज मैं छोटू के लिए क्या बनाऊँ, उसका जो ई टिफिन है ना वो तो मैं बना चुकी हूँ, बस उसमें उसका फेवरेट उसका धनिया की चटनी वो बनाना बाकी है, उसको मैं खिलाने के बाद बना दूंगी, अभी इतना टाइम नहीं है। पहले हम उसके लिए थोड़ा सा भात बना देते हैं। ओ कब राइस, कैसा कैसा नाम होता है। हम पहले आग जला देते। अरे लकड़ी तो लाना भूल गई, रुको लाती हूँ। चलो थोड़ा सा लकड़ी लाते हैं। हाँ, और कोई अच्छे बढ़िया लकड़ी है ना तो बहुत अच्छा होगा। आपको पता है हमारे पास ना तीन तीन चूल्हे हैं। हाँ, इसलिए खाना बहुत जल्दी बन जाता है, इतना लकड़ी काफ़ी है। पहले इसमें हम कुछ लकड़ियाँ डालते हैं। चलो हाँ, चलो आग तो जल गई, अभी इसमें हम बर्तन डाल देते हैं। कहाँ गाओ बर्तन हमारा, ये रहा, मिल गया हमारा बर्तन। ये देखिए, तो फिर यहाँ पे हमारा बर्तन है, इसमें हम थोड़ा सा ना पानी डाल लेते हैं। ये देखो हमारा घड़ा का जो ठंडा ठंडा पानी है ना, ना बढ़िया है, रोज ठंडा ठंडा पानी इतने गर्मी मौसम में मजा आ जाता है, इतना पानी काफी है। चलो आजकल वो बोलते हैं कि पानी का बहुत क्रीसेस चल रहा है, इसीलिए बहुत कम पानी वो यूज करना पड़ रहा है। चलो अभी हम थोड़ा सा भात बिठा देते हैं। या हाँ,
छोटू जब देखो बोलता रहता है कि ओहो दीदी हम कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। वो बोलता है मैं इसको खुद खोल दूंगा, और जब मैं देती हूँ खोल नहीं पाता है, इतना टाइट है ये। हमारे यहाँ वो बुआ को दीदी भी बोलते हैं, इसीलिए हाँ ये रहा चम्मच चमची। चलो हाँ वाह ना बढ़िया भात बनने वाला है। छोटू को ना मेरे हाथ के बनाया हुआ भात बहुत पसंद आता है। हाँ इसको थोड़ा बैठने देते हैं। उसका ऊपर वाला कहाँ है, ये रहा। हाँ यो यहाँ नीचे तो काफ़ी गर्म हो गया, फिर भी चलो इसको यहाँ रखते हैं। चलो अभी हम हमारा दाल बनाते हैं। छोटू आ रहा है क्या, नहीं अभी तक नहीं आया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। दाल के लिए पहले हम पानी डालेंगे, सबके लिए पानी चाहिए होता है। चलो हाँ पानी डाल दिए, अभी इसमें हम हमारा दाल डालेंगे। दाल ये रहा हमारा दाल, उसको ना मूंग दाल बहुत पसंद है। चलो ईका गिर गया, चलो बाद में साफ कर दूंगी। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, चलो ऐसे और थोड़ा सा डाल देते हैं। अरे गिर जा हो गया। चलो अब थोड़ा सा नमक, फिर लास्ट में हम उसको क्या बोलते हैं, परी दीदी ऐसे करती है मिक्स 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 ज़्यादा मिक्स। हाँ नमक, अभी हम इसको मिक्स 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 ज़्यादा मिक्स करते हैं। अरे अभी तक तो इतनी गर्मी हो गई। हाँ वाह कितना मस्त कलर आ गया है। छोटू को ना ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब मसालेदार स्पाइसी होने से उसको बहुत पसंद है। मेरे को पूरा स्पाइसी पसंद है, मेरा आदत हो गया है। हाँ इसको थोड़ा ढक के रखते हैं। चलो देखते हैं हमारा ये भात रेडी हो गया है कि नहीं। ओयो ये तो बहुत गर्म है, हमारा कपड़ा नहीं मिल रहा इसको उठाने के लिए। आप लोग तो चिमटा यूज कर रहे होगे, हमारे पास भी है लेकिन उसको अच्छे से पकड़ना नहीं आता। चलो कुछ नहीं होगा, चलो हमारा कानी ही सही इसको उठा देते हैं। आ बढ़िया, चलो तू अपनी जगह में रहे। वाह ये देखिए, बिल्कुल देखते हैं तो ये जो भात है थोड़ा सा सही है कि नहीं, बहुत सॉफ्ट बना है। हाँ मेरे को तो बस देखना है कि छोटू को मेरा खाना बहुत पसंद आया, अच्छा लगा कि बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये भात को अभी छन लेते हैं, इस तरफ से करते हैं बेहतर होगा। हाँ अरे सारा पानी चला गया, भात तो आया ही नहीं, बस एक ही आया। ये तो चमकदार हो गया, अभी तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया। बस ले लो, हमारा जो हाथ है ना बहुत शुद्ध होता है, इसलिए हम हाथ से ही सारा काम करते हैं। हाँ अब तो वो स्पून चम्मच से वो सारा काम करते होगे, हम बस कुकिंग चम्मच से करते हैं, नहीं तो हाथ जल जाएगा। इतना भी हाथ यूज करना अच्छा नहीं है। चलो देखते हैं हमारा दाल हो गया कि नहीं। वाह इतना बढ़िया बना है। चलो हमारा दाल भी हो गया, अभी हम इसको साइड में रख के अब इसको भी हम हमारे भात के साथ रख लेते हैं। ये रहा हो गया, अभी हमारा भात दाल तो हो गया, अभी सब्जी बनाना है। हाँ सब्जी कौन सा बनाऊँ, उसको कौन सा पसंद है, उसको तो मेरे जैसे ही पसंद है, पनीर की सब्जी। हाँ ना बढ़िया होता है, उसको मटर पनीर बहुत पसंद है। चलो मैं उसके लिए मटर पनीर बना देती हूँ। अब उसके लिए हम ये वाला लेते हैं। हाँ चलो पहले हम थोड़ा सा मसाला बांट देते हैं। हाँ चलो आ जाए, हाँ साथ में सब रखूटो। हाँ ओहो इतना कम मसाला आया, चलो चलेगा, इतना ज़्यादा मसाला भी खाने से अच्छा नहीं होता। ओके अभी हम बनाएंगे मटर पनीर, तो पहले हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये रहा तेल, बाबा रे इतना ज़्यादा हार्ड है। तो ऐसे तेल डाल देते हैं, हाँ इतना तेल काफ़ी है, ज़्यादा तेल भी नहीं डालना है हमें। चलो चलो मैं आज आपको मटर पनीर की रेसिपी बताती हूँ। तो वह सबसे पहले जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब उसमें हम प्याज डालेंगे। ये रहा प्याज,
निकल जा। हाँ अभी इसको हम भाजेंगे जब तक ये पूरी तरह से लाल लाल ना हो जाए। वैसे भी मैं पूरा मतलब पूरा वो पिंक कलर का अनियन लाई हूँ, बहुत स्पाइसी है। हाँ चलो अभी ये जो हमरा कुछ एक बर्तन लाना पड़ेगा। हाँ तू अनहाइजीनिक हो जाएगा ना इसलिए। चलो अभी हमारा जो प्याज है वो पूरी तरह से लाल हो गया। अभी इसमें हम डालेंगे हमारा मसाला। निकल जा। हाँ चलो अब इसको भी हम भाज देते हैं। चलो अभी हम डालेंगे मटर। मटर कहाँ है मैं हमारा, ये देखो हमारा फ्रेश फ्रेश मटर, मैं आज सुबह कोई छीनी थी। हाँ चलो डाल देते हैं। निकल जा, निकलता क्यों नहीं है ये। चलो मिक्स 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 दादा मिक्स। अभी हम डालेंगे इसमें पनीर। वाह चलो अभी हम पनीर डाल देते हैं। ये जो हमारी गाय है ना यहाँ जो अभी घास चर रही है उसके दूध से ही हम ये पनीर बनाया है। बहुत बढ़िया है ये पनीर। हाँ घर का हमारा पनीर उठो। हाँ चलो। हाँ तो फिर ये रहा हमारा पनीर। इसको अभी हम ये तो बाद में जब हम इसको थोड़ा बिठाएंगे तब तो ये पूरा गोल्डन कलर का हो जाएगा, ऐसा लगेगा सोना है। तो वह अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चलो पानी डालते हैं और थोड़ा सा, हाँ हो गया। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। हल्दी 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 हल्दी। वाह हल्दी ऊपर अच्छे से डालूंगी। हल्दी बहुत अच्छा होता है ना बीमारियों से लड़ने के लिए इसीलिए। और जो हल्दी है ना वो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। हाँ मतलब बीमारी नहीं होती। अच्छे से पूरा हम इसको मिक्स 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 कर लेंगे। वाह कितना बढ़िया बना है। मेरे को लगता है छोटू को ये बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ये इतना ज्यादा मिक्स कर ली अभी तक भी इसका कलर कैसे नहीं आया, कमा है क्या। अब तक छोटू आया क्यों नहीं, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, खाना भी बन गया है। चलो ठीक है चलेगा। इसको बंद कर लेते हैं, इसको पहले हम निकाल देते हैं। अभी और क्या बचा है। अरे हाँ उसके टिफिन के लिए मैं धनिया की चटनी बनाने वाली थी, जल्दी जल्दी वो भी बनाना होगा। पहले मैं धनिया के पत्ते थोड़े ला लेती हूँ। चलो अरे छोटू तू आ गया। हाँ। अभी नहा चुके हो ना, तुम्हारा बाल भी कितना प्यारा है। मैं सारे कीटाणु मार दिया। अच्छा तुम सारे कीटाणु मार दिए, सारे बदी गया। अच्छा अभी स्कूल जाने के लिए तैयार हो, मैं बस तुम्हारा फेवरेट बनाने वाली हूँ धनिया पत्ते की चटनी। ये या मुँह पिंक पिंक है ये। हाँ नहीं ये पिंक है। अच्छा कौन सा पिंक है, मरी गोल्ड पिंक। अच्छा मरी गोल्ड पिंक ठीक है मैं याद रखूंगी। और तेरे को पता है छोटू ये खाना रहने नहीं करो। ओके वैसे मैं तुम्हारा फेवरेट धनिया पत्ते की चटनी बना रही हूँ ठीक है, दर्जी करो। चलो पहले मैं तुम्हारे लिए खाना दे देती हूँ फिर मैं तुम्हारे लिए चटनी बनाऊंगी। चटनी बनाओ जल्दी। हाँ पहले खाना दे दूँ। हाँ। कितना राइस खाओगे, इतना। हाँ इतना। और थोड़ा सा ले जाओ ना। हाँ। कितने सूख गए हो, थोड़ा सा और ले जाओ, मेरे हाथ का बनाया हुआ है ना। हाँ। थोड़ा सा ज्यादा तो खाना चाहिए। चलो अभी दाल थोड़ा है। छोटू मुझे लगता है तुमको मेरा बनाया हुआ दाल और भात बहुत अच्छा लगेगा, बोलना कैसा है ठीक है। अब सुन लो प्लेट क्यों क्या था, ये मटर पनीर है। मटर पनीर है। हाँ तुमको मैं सादा पनीर दे रही हूँ ठीक है, सारा पनीर रहना। ओके 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 गड़ी दीदी। अरे गदेडू मेरा नाम भूल गए, चंपा दीदी। हाँ चंपा दीदी। गजब बेइज्जती है, क्या क्या नाम बुला देता है। ये ले तेरा खाना, तेरे को अब स्पून से खाने की हाथ से खा। पनीर है।
कितना सारा पानी दे। हाँ अच्छे से खाओ, पेट भर के खाओ। और चाहिए तो और दे दूंगी, और थोड़ा सा ग्रेवी दे देता। खाओ स्पून दो। स्पून? हमेशा बस स्पून से खाता रहता है। ये हमारा गांव है, हमारे गांव में हाथ से खाते हैं। हाथ से नहीं, से गोगो हो जाता है। ठीक है बाबा, ये गांव का बच्चा नहीं लगता मेरे को। चलो इसको ना गांव का तौर तरीका सिखाना पड़ेगा। ये देख, ऐसे खाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे खाते हैं। और सब्जी को ना तेरे को मैं स्पून दे रही, खाली सब्जी उससे खाना है, ठीक है? पनीर दो। पनीर? हाँ। कैसे पकड़ते हैं इसे, कैसे खाते हैं इससे भला? हाथ से ही खिला रही हूँ। ले हाँ हाँ, देख कितना बढ़िया तरीके से खा रहा है मेरा लल्ला। खाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए धनिया की चटनी बढ़ा देती हूँ। कैसा लग रहा है? खत्म हो गया। पूरा साफ करके, एक भी भात नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? सारा खत्म हो गया। जाओ तुम्हारा बैग रेडी करो, मैं तुम्हारा टिफिन रेडी कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अरे अभी वो अपना बैग पैक करके आ रहा होगा, जल्दी से बना देती हूँ, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं मेरे को। वो मेरे को दोष दे देगा कि मैं उसको लेट कर आई हूँ। हो गया, चलो अभी इसको मैं उसके टिफिन बॉक्स में दे देती हूँ। इसमें तो उसका खाना है, इसमें नहीं भरी हूँ, इसमें डाल देती हूँ। उस स्पून का, हाँ चलो इससे दे देती हूँ। हाँ चलो। ये क्या था? लीफ से? आ गए तुम? ये लीव्स नहीं है, ये तुम्हारा फेवरेट धनिया पत्ते की चटनी है। हाँ चलो, हो गया। अभी उसका टिफिन बॉक्स क्लोज कर लेती हूँ। बन गया। हाँ ये रहा उसका टिफिन बॉक्स। ये वाला टिफिन बॉक्स ना हमारे गांव का है। आपका टिफिन बॉक्स कुछ एक ऐसे डब्बे जैसे होता है, ऐसा वाला। ओके छोटू, छोटू यहाँ आ जा। कहाँ है छोटू? ये ले तेरा टिफिन बॉक्स, जल्दी से स्कूल जा। और हाँ किसी से लड़ना नहीं, ठीक है? सब किसी फाइट नहीं करती हूँ। हाँ ओके बाय छोटू। बाय। तेरा बैग पकड़ के जाना, बैग मत भूल जाना जैसे लास्ट टाइम किया था। हाँ। बैग छोड़ के स्कूल चला गया था, पता नहीं कैसे पढ़ा था वो। हाँ नहीं गर्मी है, अच्छा लग रहा है। अभी मेरी खाने की बारी, चलो मैं खाती हूँ। हम पूरे गांव वाले हैं। पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, मजा आ गया। चंपा तो कितना बढ़िया खाना बनाती है, मजा आ गया आज। धन्यवाद। क्या करें, कोई है ही नहीं हमारी तारीफ करने के लिए, खुद का तारीफ खुद को करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज का ये चंपा वाला स्टोरी कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मेरे को तो बहुत मजा आया। अभी लल्ला तो चला गया है, छोटू वो तो चला गया, अभी वो आएगा तो उसके लिए मैं फिर से खाना बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आराम करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, एंड बाय बाय। ओके सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। क्या बोलते हैं पर दीदी? लेट्स एंड द वीडियो।